Hello student, good morning. I am Professor from Goshala Road Municipal Secondary School, Mulund Way, Class 10. बच्चों आज हम जंगल डायरी करके लेसन पढ़ने जा रहे हैं और ये लेसन बहुत ही मजेदार बहुत ही रोमांचकारी है। तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज जंगल डायरी पाठ शिकूया। जंगल डायरी या पाठाचे लेखक आहे अतुल धामणकर। अतुल धामणकर जंगल डायरी या पाठामध्ये आपण आज ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाची शेअर करणार आहोत। जंगल डायरी इस लेसन में आज हम महादेव पूर्व विदर्भ में जो ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प है उस व्याघ्र प्रकल्प की सैर करने वाले हैं। व्याघ्र प्रकल्प में जो बाघ होते हैं वो हम अपने क्लासरूम में बैठे बैठे उनको देखने वाले हैं। ठीक है, त्यानंतर बघा आपण अगोदर लेखकाचा परिचय बघूया। लेखक अतुल धामणकर, जन्म 1972, त्यांचा आपण अगोदर परिचय बघूया। प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक, लेखक आणि छायाचित्रकार। हे लेखक जे आहेत अतुल धामणकर एक सुप्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक आहेत। वन्यजीव मीन्स जंगली जे प्राणी असतात त्या जंगली प्राण्यांवर यांनी संशोधन केलेलं आहे। म्हणजे प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक आहेत। लेखक आणि छायाचित्रकार, त्यांना फोटोग्राफीचा खूप छंद आहे आणि जंगलात जाऊन वन्य प्राण्यांचं फोटोशूट करण्यामध्ये पटाईत आहे। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प मध्ये बाघांचा अभ्यास केलेला आहे। देखो पिछले 25 साल से जो लेखक है अतुल जी यहाँ ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में जाकर बाघों पे इन्होंने स्टडी की है या वहां के जो बाघ है उनका इन्होंने अभ्यास किया है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरात मधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत। इनकी हॉबी है जंगल घूमना और इसीलिए राजस्थान वहां भी गिर का बहुत बड़ा जंगल है। पश्चिम बंगाल वहां भी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। उत्तराखंड यहाँ भी टाइगर फॉरेस्ट है और गुजरात यहाँ भी जो टाइगर फॉरेस्ट है उनको इन्होंने विजिट किया है। त्यानंतर वाघ, मृग कथा, नवरंगाचे घरट, अरण्याचे अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीव, ताडोबा वाघांचे जंगल, जंगल डायरी, फिर मार्जर कथा ही वन्य विषयक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। हे फोटो छायाचित्रकार तर आहेतच, त्याबरोबर एक लेखक सुद्धा आहेत आणि वन्यजीव जीवावर आधारित वन्यजीवांचा परिचय करून देणाऱ्या आधारित अनेक पुस्तके आणि लिहिलेले आहेत त्यांच्या या उल्लेखनीय पुस्तक आहेत। तर हा जो लेशन आहे जंगल डायरी या पुस्तकामधून घेतलेला आहे आणि लेखक ज्याचं नाव सुद्धा जंगल डायरी जसं जे या पाठाचं शीर्षक आहे। आता या प्रस्तुत पाठामध्ये काय सांगितलं आहे ते बघूया। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केलेले आहे। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन केलेले आहे। इस लेसन में लेखक ने जंगल में जब वहां प्राणियों का स्टडी करने जाते हैं तब कौन कौन से ऐसे भयानक प्रसंग आते हैं उसका वर्णन किया है और जो एक बाघिन होती है उसमें लेखक को माता के दर्शन किस प्रकार होते हैं इसका भी वर्णन इस लेसन में आया है। या पाठामध्ये जंगलातील चित्तथरारक अनुभव आणि वाघिणीमध्ये
लेखकाला जाणवलेले मातृत्वाचे दर्शन या पाठामध्ये लेखकांनी एक प्रसंगाच्या रूपाने वर्णन केलेलं आहे. तर बघूया जाऊ द्या आपण ताळोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प फिरायला. नेक्स्ट ताळोबातील वाघ, सर्वांना माहित आहे वाघ, सर्वांनी बघितलं असेल, सभी ने देखा है ना बाघ. अपने महाराष्ट्र में भी बहुत सारे बाघ है ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में. और ये व्याघ्र प्रकल्प आता है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, विदर्भ में आता है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट. और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ बहुत बड़ा व्याघ्र प्रकल्प है, यहाँ बाघों की काफी संख्या पाई जाती है. तो यहाँ का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है. चलो अपन ताड़ोबा घूमने जाते हैं अभी लेशन के माध्यम से. आता बघा सकाळी 6 ते 9 कोळसा परिक्षेत्र ताळोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर. स्थळ काळ दिलेले आहे. तारीख 27 जून 1957. हेलो आर डी सर, एक मिनट आर डी सर, आपकी आवाज है ना घूम रही है और ब्रेक होके आ रही है, अटक अटक के आ रही है सर. नेटवर्क तो फुल है सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू नहीं है. हाँ, तो आपकी आवाज है ना थोड़ा गूंज रही है और ना ब्रेक हो रही है बीच-बीच में, तो आप थोड़ा सा माइक के पास से बोलिए या जैसा भी हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको. अच्छा, धीरे धीरे बोलो ना थोड़ा धीरे बोलो ना, धीरे नहीं बोलिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो भी चलेगा. ओके ओके सर, ठीक है सर. विद्यार्थी मित्रों सकाळी 6 ते 9 कोळसा परिक्षेत्र व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर. आता बघा चंद्रपूर हा डिस्ट्रिक्ट वाघांकरिता ज्याप्रमाणे प्रसिद्ध आहे त्याचप्रमाणे कोळसाकरिता सुद्धा हा जिल्हा प्रसिद्ध आहे. ताळोबाच्या किंवा चंद्रपूर जिल्ह्याच्या परिक्षेत्रात खूप साऱ्या कोळसाच्या खाणी आहेत आणि हा कोळसा परिक्षेत्रामध्येच ताळोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जवळपास लागूनच आहे. आणि वेळ आणि काळ दिलेला आहे, दिनांक 27 मे 1997, दिनांक 27 मई 1997 सुबह का 6 से 9 का समय होता है जंगल में घूमने का. और उसी समय का इन्होंने आज किया है. तो आज पहाटे विश्राम बाहर लेखक वहां रुके थे कोळसा विश्राम गृह में, समाज रेस्ट हाउस का रेस्ट हाउस में रात में रुके थे. एकदम पहले निकल गए. गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांच्या सहकारी वनरक्षक ठेवलेला असतो आणि वन रक्षक हा एक प्रकारचा गायडन्स करतो, गाईड करतो लोकांना त्या वनातील विविध प्राण्यांची, विविध स्थळांची, विविध गुप्त रस्त्यांची माहिती देत असतो आणि जंगलांचे सुद्धा करत असतो. तर हा वन रक्षकांचं नाव काय होतं, टोंगे. टोंगे बहुतेक त्यांचं आडनाव असेल. टोंगे वनरक्षक आणि त्यांच्या सहकारी वन मजूर येताना दिसले. लेखक जेव्हा विश्रामगृहातून बाहेर पडले तेव्हा त्यांना गावाकडून टोंगे वनरक्षक त्यांच्या सहकारी वन मजूर येताना दिसले. वन रक्षक येतात आम्ही डावीकडे जाणारा छरी राहिला. वन रक्षक येणाऱ्याने लेफ्ट मध्ये लेफ्टला वडणारा जो झड असतो एक छोटा गोळीसारखा रस्ता तो रस्ता त्याने धरला. समोर चालणारा वन मजूर अचानक थबकला. हे दोनही त्यांच्या सोबतीला होते कारण की ज्या ठिकाणी हे जात होते त्या ठिकाणाची माहिती
परिपूर्ण माहिती टोंगे वनरक्षक आणि त्यांच्या सहकारी वनमजूर होता आणि एक गाईड गाईडचे काम करत होते, लेखकाला मार्गदर्शकाचे काम करत होते म्हणून ते समोर समोर आणि त्यांच्या मागे मागे लेखक जंगल सफारीवर चाललेले होते. समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला. थबकला मीन्स थोड़ा सा रुक गया, थामना. ये शब्दार्थ देखो विश्राम गृह में आराम वाला है, गेस्ट हाउस से बोलते हैं. थबकने मीन्स थामने, पॉज. चलते चलते वो अचानक से रुक गया. क्यों रुक गया, इसका कारण देखो. वो चलते चलते एकदम से रुक गया. तब लेखक ने उसको थोड़ा सा प्रश्न वाली नजर से देखा, क्यों रुका करके. तब उन्होंने रास्ते की तरफ उंगली दिखाती वो कहा, क्या कहा, ताजा होने होती. अब उन्होंने जब उंगली दिखाई रास्ते की तरफ और देखा तो नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या पिपळ्याची ताजी पावलं उमटली होती. आता नुकत्याच मीन जस्ट, अभी अभी. नुकत्याच का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट. ठीक है, तो जस्ट वहां से कोई पिपड़िया, इनके बागों की प्रजातियां भी होती है और जो ताड़ों का वन क्षेत्र है वो पिपड़ियाओं के लिए पिपड़िया प्रकार का बागों का है. आणि एक पिपड़िया तिथून गेलेला होता रस्ता क्रॉस करून आणि त्याच्या पावलांची चिन्ह, उसके पैरों के निशान जिसे फुटप्रिंट्स कहते हैं, एक लेसन भी देखे थे फुटप्रिंट्स, तो उसके पैरों के निशान, ताजे निशान वहां रेती में दिखाई दे रहे थे. हाँ, एक नर असुन, अब ये जो गया था बिबड़िया, हाँ एक नर असुन आम्ही पोहोचण्याच्या तासभरा आधी इथून गेला असावा. मी चौफेर पाहिलं पण मला काही, मला साधारणतः तासभर आधी इथून तो गेला असावा असा त्यांनी अंदाज बांधला. काय बरं अंदाज बांधला, कारण की त्याचे जे पावलाचे जे ठसे होते, जे पावलाचे जे खुणे होते, ते अजूनही ताजे होते, मिटलेले नव्हते. आणि म्हणून त्यावरून त्यांनी अंदाज बांधला की बहुतेक तासभर अगोदरच हा वाघ नर बिबड्या इथून गेला असावा. लेखकांनी इकडे तिकडे पाहिलं परंतु त्यांना काही दिसलं नाही. पुढे बघा, अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली. अब इधर उधर चारों बाजू देखे, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर अचानक उन्हें जंगल के कॉर्नर में, कोपरा मीन्स कॉर्नर, कोपरा मीन्स कॉर्नर, कोपऱ्यावर थोड़ी जंगल में कोने हाताने थांबायची खून केली. हात से खून केली मीन्स खून मीन्स इशारा, इशारा मीन्स एक साइन. ठीक आहे, एक सर्वांना थांबायची त्यांनी एक खून केली आणि सर्वांना इशारा केला आणि सर्वांना ती हालचाल स्पष्ट झाली. दूर लांबच्या बघण्याकरता त्यांच्याकडे वाघांचं निरीक्षण करण्याकरिता त्यांना ही हालचाल स्पष्ट दिसू लागली. उनके पास में बाघों को देखने के लिए दूरबीन लिए थे और दूरबीन जब इन्होंने आंखों पे लगाई तब वो दूर दिखने वाली हालचाल उनको क्लियर दिखाई देने लगी. विदर्भ हा तेंदूंच्या वनांकरिता प्रसिद्ध आहे आणि खास करून चंद्रपूर गडचिरोलीच्या जंगलात मोठ्या प्रमाणावर तेंदूचं पानं किंवा तेंदूची झाडं आहे. तेंदूची झाडं म्हणजे काय बच्चों, आपको मालूम है तेंदू याने क्या होता है? तेंदू का पत्ता आपको शायद मालूम नहीं होगा, मगर तेंदू के पत्ते बीड़ी पीते हैं लोग और बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ते का यूज होता है उसे तेंदू का पत्ता कहा जाता है. वो तो तेंदू के पेड़ का पत्ता होता है और पूर्व विदर्भ में बहुत सारे जंगल है और यहाँ जंगल तेंदू पत्ताओं के लिए फेमस है. तो ताड़ोबा में भी तेंदू के बहुत सारे पेड़ है और
पेड़ था और तेंदू के पेड़ के पास में बांबू का पेड़ था। बांबू सबको पास बांसों के झाड़ियों में वहां बिबड़ा बहुत आराम से बैठा था। कहाँ बैठा था? तेंदू के पेड़ के नीचे, जो बांस का पेड़ था, वो बांस के पेड़ों में वहां बिबड़ा बैठा बैठा था। दुर्बीण डोळ्यांना लागले, पण त्याच्या रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। अब बागों कलर के फटे फटे वाला होता है और वह जल्दी सी झाड़ियों में, और क्योंकि जनरली उनका बागों का कलर देखोगे तो आपको मालूम होगा बाग तो इस कलर में मैच हो जाता है और मैच उनकी हलचल थोड़ा सा उनका पीले पीले पत्ते होते, इस वजह से हो सकता है कि वो पूरा झाड़ियों में मिक्स हो गया, उसमें मैच हो गया, इसीलिए वहां क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। मगर उसने सेपुट हिलाया, सेपुट मीन्स टेल, टेल मीन्स पूछ, शेपुट माहित है तुम्हाला? शेपुट म्हणजे शेपुट, शेपुट मीन्स पूछ। तो उन्होंने पूछ हिलाई, बाघ ने पूछ हिलाई, अदरवाइज दिखाई नहीं दिया। आता बघा, त्यानंतर बघा, टोंगे वनरकाचा पाय एका वाळक्या काठीवर पडला आणि कट आवाज झाला। तिखट कानाच्या बिबड्याने तो आवाज ऐकताच बुडून पाहिला आणि एका झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला। अब देखो, यहाँ बैठा था बढ़िया आराम से, इसका इसके मुंह आगे के तरफ था, इनकी पीठ लेखक के तरफ थी, और इसीलिए यहाँ देखने बाघ का ध्यान लेखक और उनके सहकारियों पे नहीं था। मगर टोंगे वन रक्षक का चलते चलते पैर एक काटकी, काटकी मीन्स सुकलेली काटी, ठीक है, वाड़ की सुकलेली काटकी मीन्स काट गया, काट गया, काट गया मीन्स जो लकड़िया होती है जंगल में, घास फूस लकड़िया होती है, सूख जाने के बाद वही गिरी रहती है, और उस पे उसका पैर, टोंगे वाला रक्षक का पैर गिर गया, कट ऐसा लकड़ी का टूटने का आवाज आया, और वही आवाज सुन के बिबड़िया बहुत जम के जंगल में भाग गया, अदृश्य हो गया। ठीक है, बिबड्याच्या निरीक्षणांची चांगली संधी हाती घेऊन मी सरलो। देखो, लेखक को थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि लेखक वहां भाग देखने गया था जंगल में, और चूंकि वनरक्षक के पैर के आवाज के कारण वहां बाघ वहां से भाग गया, इसीलिए लेखक को थोड़ा सा दुख हुआ। हड़लड़लो में थोड़ा सा दुखी होना, लेखक को थोड़ा सा दुख हुआ। हड़ने में व्हाइट बटने, टू फील होना, बैड फील होना। ठीक है, तर त्यानंतर बघूया आपण, टोंगे यांना शर्मिंदा झाल्यासारखे वाटले, और टोंगे इसको भी बुरा लगा, थोड़ा सा लज्जित हो गए। शर्मिंदे, शर्मिंद मीन्स लज्जित होना, थोड़ी सा उसको भी थोड़ा सा शर्मिंदा, वो उसको भी लाज लगने लगी, क्योंकि मेरे कारण ही इनकी देखने की जो संधि है, इनका देखने का, बाघ देखने का शौक है, पूरा नहीं हो सका, इसलिए उसको थोड़ा बुरा लगा, इसको टोंगे मन रख। नेक्स्ट, उसके बाद में हम लगे पूरे चलो, थोड़े अंतर रायता जाना रस्ता उजवी कड़ा वड़ता तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखी दाट झाल्यासारखं वाटलं। आगे गए रायबा, यहाँ वहां का एक प्लेस है, और प्लेस के तरफ जाने वाला रास्ता उन्होंने राइट टर्न ली और आगे बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसा वैसा वहां का जंगल घना होते गया। दाट मीन्स घना, दाट मीन्स थिक, घना, गर्द, डेंस। ठीक है, त्यानंतर इथं 2-3 नाय असताना झोपडे जास्त जाणवते, त्या नाल्यांमध्ये थोडं पाणी वन्य दिसण्यासाठी
पावल टाकना आवश्यक होता। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे गए, दो तीन नाले थे, और नाले मालूम है ना, जंगल में थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो नाले होते हैं, झरने होते हैं, वहां झरने थे, और झरने होने के कारण जो बाघ है या वन्य जो प्राणी है वह झरने पर पानी पीने आते हैं, और इसीलिए लेखक को लगा कि यहाँ तो नाले है, तो नालों में बाघों का दिखने का जो संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा होती है, इसीलिए लेखक इधर उधर देखने लगे। काल संध्याकाळी विश्राम गृह और गप्पा मारताना टोंगेनी मला त्या परिसरात चार पिल्ल असलेल्या वाघिणी बद्दल सांगितलं होतं। आता बघा, कल जब यहाँ रेस्ट हाउस में रुके थे रात में, तब टोंगे जो वन रक्षक है वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि मैंने एक बाघिन को चार बच्चों के साथ में देखा और वो आज दिखने का भी बहुत ही चांस है। उन्होंने कल जिक्र किया था जिस बाघिन के बारे में, चार बच्चों के साथ में जिस बाघिन को उन्होंने देखा था उस बाघिन का जिक्र किया था, और इसीलिए लेखक की उम्मीद और भी ज्यादा जाग गई क्योंकि यही बाघिन तो शायद नहीं है करके। तेव्हापासून मला कधी तिथे जातो असं झालं होतं, प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघांसारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरत। आता बघा, प्रचंड उन्हाळा, आता बघा चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट म्हटलं किंवा विदर्भ म्हटलं तर उन्हाळ्या मे महिन्याचं तापमान इथं 45 डिग्री सेल्सिअसच्या वर असतो। विदर्भ में बहुत गर्मी होती है और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में तो भयानक गर्मी होती है, और जो मई का टेम्परेचर होता है वहां का 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, और इसी वजह से जानवरों का पानी के पास में होना यानी ज्यादा संभव हो सकता है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए बाघ भी पानी में बैठते हैं। देखो ये पिक्चर में कैसे बाघ पानी में बैठे हुए हैं, तो इसी प्रकार गर्मी भगाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, शीतलता पाने के लिए बाघ गर्मी के दिनों में अक्सर पानी झरने के लिए तालाब के किनारे दिखाई देते हैं। तर बघा, जनावर आसपास तसेच लहान पिल्ल असल्याने जास्त दूर नेणे देखील शक्य नव्हतं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बाघिन के जो चार बच्चे थे छोटे छोटे थे और उनको बिना पानी से बाघिन रख नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको बच्चों को जल्दी प्यास लग जाती है और उनको पीने के लिए पानी मिलना चाहिए करके बाघिन उस तालाब के आसपास ही या उस नालों के आसपास ही रहना ज्यादा संभव था, उसकी संभावना ज्यादा थी क्योंकि पानी के आसपास ही वहां अपना शिकार ढूंढते थे। और लहान पिल्ल असणारे वाघीण हे जंगलात सगळ्यात धोकादायक जनावर। अब देखो, लहान पिल्ल असणारे वाघीण हे जंगलातील सर्वात धोकादायक जनावर, क्यों? छोटे बच्चे वाले जो वाघीण होती है, जो शेरनी होती है, जो वाघीण होती है, वह सबसे डेंजर जनावर होती है। क्यों? क्योंकि वहां अपना अपने बच्चों का रक्षण करने के लिए ज्यादा हिंसा हो सकती है, ज्यादा खतरनाक साबित होती है, उसके बच्चों को कोई मार ना दे, कोई उसके बच्चों पर हमला ना कर दे, इसीलिए वहां ज्यादा ही सतर्क और ज्यादा ही डेंजरस। बघत नाही, त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक होता, और इसीलिए लेखक को डर भी लगता था, क्योंकि यहाँ जो माँ होती है, जो बाघिन होती है, अपने बच्चों के रक्षण के लिए, किसी की जान लेने के लिए भी, किसी के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखती, और इसीलिए लेखक को कहीं अंदर से डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि बाघिन हम पर हमला ना कर दे और हमारी जान न जाए, इसीलिए उनको कहीं मन में अंदर से डर भी लग रहा था। माता है आपल्या पिल्लांच्या रक्षणाकरिता ती कुणावरही हल्ला करायला मागे पुढे पाहत नाही म्हणून लेखक मनापासून घाबरले होते। 10-12 पावलात चाललो असून मला नाण्यातील वोलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची पावले उमटलेली दिसली।
अब 10-12 कदम आगे चले, उनको उस नाले में जो कीचड़ था, उस कीचड़ में बिल्ली के जैसे पंजे होते हैं, बिल्ली के फुटस्टेप होते हैं, उस आकार के फुटस्टेप दिखाई देने लगे। पावल बगा लेखक जैसे थोड़े से अंदर गए, उन्होंने थोड़ा झुककर देखा कि किसकी फुटस्टेप है करके, पावल खुना है ने फुटस्टेप या फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो यहाँ पिल्लियांच्या पावल खुना हो गया, तो बाघिन के साथ में जो उसके बच्चे थे छोटे छोटे, उनके और बाघ के जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, वो बिल्ली के जैसे दिखाई देते हैं। मांजारे वागाची मौसी इस्तेमाल है ना आपको, बिल्ली जो होती है वो बाघ की मौसी होती है बोलती है। तो बाघ और बिल्ली की होती है, बिल्ली डेंजर नहीं होती, बाघ ज्यादा डेंजर होता है, और जो बाघ के बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, वो बिल्ली के बच्चे जैसे ही दिखाई देते हैं। लेखक ने जो फुटस्टेप चेक किया तो वो बच्चों, बाघों के बच्चों की फुटस्टेप है करके उनको समझ में आ गया। याचा अर्थ होता कि आपल्या पिल्लांचा या परिसरात वावरत होती है। अब जो फुटस्टेप थे वो थे जो फुटस्टेप थे, और उनको लगा कि जो बाघिन जो बता रहे थे टोंगे वनरक्षक, यहाँ बाघिन इसी क्षेत्र में अभी भी मौजूद है, यहाँ से कहीं बाहर नहीं गई है, यहाँ उनको उसके खातरी हो गई। ये बात उनको 100% परफेक्ट लगे, क्योंकि उसके जो फुटस्टेप थे वहां ताजे फुटस्टेप। हेलो होतो अधिवने मीन्स, आता लेखकाला पिले बघण्याकरता लेखक अधीर झाले, अधीर होने मीन्स बहुत वहां उतावले हो गए, उनके मन में बहुत जिज्ञासा हुई कि पिल्ले कब कब देखता हूँ, बाघ के बच्चों को मैं कब कब देखता हूँ। वाघाच्या पिल्लांना काय म्हणतात माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, बाघ के बच्चों को क्या कहते हैं पता है किसी को? बाघ का जो बच्चा होता है उसको छावा कहते हैं, वाघाच्या पिल्लूला छावा असं नाव आहे। आणि हे वाघाचे छोटे छोटे छावे बघण्याकरिता लेखक अतिशय अधीर झालेला होता, अतिशय उत्सुक झालेला होता, लेखक बहुत उत्सुक हो गए थे, उनके लग रहा था कि कब कब मैं बाघों के बच्चों को देखता हूँ। त्यानंतर ते बाघे तिथ सापडण्याचे, इथून सुमारे 100-125 पावलांना पाणी असताना तिथं सापडण्याची शक्यता होती, त्यामुळे आता तिथं पानगडीमुळे पडलेला वाळका पाचोडा साचून होता, त्यावरून पाय न वाजवता जाना ही मोठीच कसरत होती। अब लेखक को मालूम था कि आगे नाले में थोड़ा सा पानी है कि, और इस पानी में बाघिन रहने की संभावना 100% है, मगर वहां तक जाते तक 100-200 कदम चलते तक पैरों की आवाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि मई के दिन थे, जंगल में जो पत्तियां सूखी गिरी थी उन पत्तों पे से चलना और आवाज न करते हुए चलना एक बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि पत्तों पे से हम चुके पत्तों पे से जब चलते हैं तो पत्तों के टूटने की आवाज आती है, और ये आवाज सुन के बाघ बाघिन अपने बच्चों के साथ भाग न जाए करके उनको एकदम साइलेंट चलना बहुत ही कठिन कार्य था। पानवटा मीन्स पानी साठण्याची जागा, पानवटा। आता बघा पानवटा जो पानी वाली जगह थी, जैसे जैसे पास में आती थी तैसे इनका दिल थक 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 धड़कता था, इनकी धड़कने तेज हो रही थी। क्यों? क्योंकि बाघ को देखने की जिज्ञासा तो थी, मगर कहीं मन में डर भी था। क्यों डर था? क्योंकि बाघ कहीं हम पे हमला ना कर दे, बाघ देखोगे तो ऐसे ही अपने को डर लगता है कि नहीं? आप लोगों के आपस में कभी सामना हो जाए अपने को और डरने की बढ़ जाती है। अशी गति वाढली, या जाणीवे माझा घसा कोरडा पडला, इतरांची अवस्था काही वेगळी नव्हती, आम्ही सूचना केली, आता मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं।
ये कंडीशन सभी की थी, लेखक के साथ में जो अन्य दो लोग थे उनकी भी कंडीशन यही थी, उनको भी डर लग रहा था। उन्होंने आंखों से ही इशारा करके और ज्यादा चौकस, चौकस यानी चौकस का मतलब जिज्ञासु, या चौकस यानी सावधान, चौकस सावधान रहने का उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया। त्यानंतर आता है एक बार वाटत होता। अब लेखक के मन में डर था, कहीं पेड़ के पीछे, जामुन के पेड़ के पीछे छुपी बाघिन एकदम से हमारे ऊपर हमला बोल दे, इसीलिए लेखक और उसके साथीदार डर डर के आगे बढ़ रहे थे। मैं हड़ो जेना सड़सड़ देखील मुठी वाटत होती, आता जणू सगळा काळस थांबला असावा असं वाटत होत। अब हवा चल रही थी और हवा चलने की वजह से जो पत्तों की आवाज, वो सरसर सरसर ऐसी आवाज आती थी और इसीलिए और भी डर ज्यादा लग रहा था। त्यानंतर बघा, आओ अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजाने मी जागीच थबकलो। आओ आओ, ऐसी बाघिन अपने बच्चों को बुला रही थी, ऐसी आवाज लगा रही थी, या आओ ऐसी आवाज जब लेखक ने सुनी तब उनको वहां थबक ले मीन्स वो वहीं रुक गए। ठीक है, थबक नहीं, रुक जाना, थोड़ा सा दचकना। तर बगा वर्षाच्या वाघांच्या अभ्यासाने आणि अनुभवाने हे ठाऊक होतं की वाघिणीचा आवाज आहे। आव जैसे ऐसी आवाज उन्हें सुनाई दी, तब लेखक थोड़ा सा सजग हो गया, थोड़ा सा रुक भी गया, और उनको जो बाघों का वो स्टडी करते थे, उन स्टडियों से उनको मालूम था कि यहाँ 100% उस बाघिन की ही आवाज थी, जो बाघिन अपने बच्चों को आव आव करके बुलाती थी। लेखक पूरे समझ गए थे। क्या दफ्तर बगाम ती या आवाजांना आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी, अचानक पाण्यात थपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला। आता बघा, आव या आवाजाने वाघिणी आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी असा लेखकाच्या मनात विचार आला, तेवढ्यातच अचानक पाण्यात थपकन असा काहीतरी पडल्याचा आवाज आला। तर हा आवाज कसला होता, ती वाघिणीने पाण्यामध्ये उडी मारलेली होती, आणि या वाघिणीच्या पाण्यात उडी मारण्याचा जो आवाज होता, पाण्यात जेव्हा वाघिणी आवाजाने आश्चर्य पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो। एका पिल्ल्यानं पाण्या बाजूच्या जांभळीच्या झाडातून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली तीनही पिल्लं थपाथप पाण्यात उतरली। आईचा आश्वासक आवाज त्यांच्याकरिता उत्साहाचं वारं फरणारा ठरणार होता। आवाज लगाई थी, वो आवाज सुन के एक के पीछे एक बाघिन के चारों बच्चों पानी में कूद गए थे, और उसी कारण पानी में ढक्कन गिरने की आवाज आई थी। नेक्स्ट, अगली स्लाइड देखेंगे। आता वाघीण रात्रीच पिल्लांना नालाकडच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती। आता बघा, बच्चों दाट झुडपात नाले के बाजू में जामुन के बहुत सारे घने पेड़ थे, उन पेड़ों में अपने बच्चों को छुपा कर वहां सुबह ही शिकार गई थी बाघी। किसका शिकार करने गई थी? अब जो मांसाहारी है, जो भी जंगल पानी मिल जाती है, उनका शिकार वो खिलाती है। दूसरे नर वाघ बिबड़ा रान कुत्री अशा पिल्लांचा संभाव्य शत्रूंना रापताच होता। अब देखो, इसी परिसर में दूसरा नर वाघ, जो नर वाघ होता है वो बाघिन के बच्चों को खा डालता है। रान कुत्री, जो जंगली कुत्ते होते हैं, वो
बिबड़ा यानी जो बड़े बाघ होते हैं, नर बाघ होते हैं, अपने बच्चों को मार डालते हैं, खा डालते हैं। रान कुतरी में जंगल जंगली जो कुत्ते होते हैं वो भी बाघों के बच्चों को मार डालते हैं, या बाघों के जो बच्चे होते हैं उनके शत्रुओं का ज्यादा यहाँ खतरा था इस परिसर में। त्यामुळे तिला तिची खबरदारी घेणं आवश्यक होतं। वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकापासून खूपच धोका असतो, त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। अब बाघ के बच्चों को जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको बाकी जानवरों से बहुत खतरा होता है, इसीलिए उनका सुरक्षा के लिए जो बाघिन होती है वो बहुत ही सजग होती है, दूसरे से अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ बहुत ही दक्ष होती है, बहुत ही सजग होती है। और हर माँ होती है, वो बाघिनी नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा अलर्ट रहती है, समय पे अपने जान की भी परवाह नहीं करती। त्यानंतर बघा, वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर खूपच धोका असतो, त्यामुळं सुरक्षेबद्दल भलती दक्ष असते। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लाजवळ परत आली होती। आईची हाक ऐकताच अजून वर दडून बसलेली पिल्ल पडकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबू मधून मला वाघीण येताना दिसली। अब जब रात में जो बाघिन शिकार करने गई थी वो अभी लौट रही थी, और जैसे वैसी आवाज लगाई बाघिन ने, वैसे उसके बच्चे उसको मिलने के लिए आ गए, और बाजू के जो बांबू के पेड़ों में से वहां बाघिन आते भी लेखक को दिख गए। ठीक है, त्यानंतर दड़ून बसने, लफुन बसने, राबता असने, अभी राबता या शब्द देखे, राबता में एज आ मूवमेंट्स। त्यानंतर ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। रात्रभरच्या वाटचालीनं थकून ती विश्रांती घेत होती, पण पिलांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं। त्यातील एक पिलानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली, पण तिथून घसरल्यानं तो धप्पन पाण्यात पडलं। तोंडावर पाणी उठताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली, पण पिलांना त्यांच्याशी काहीच घेणं देणं नव्हतं। त्यांच्या आई भोवती जबरदस्त दंगा धोपा सुरू झाला। अब देखो, बाघिन जैसे आई और पानी में बैठ गई और बच्चों को बुलाए, तब एक के बाद एक पिल्ले बच्चा पानी में कूदने लगे। एक बच्चा तो बाघिन की पीठ पे कूद गया और बैलेंस नहीं बना तो पानी में गिरा, और पानी में गिरने की वजह से बाघिन के मुंह पर उसका पानी उड़ा, और इसीलिए बाघिन थोड़ी नाराज हो गई, गुर गुर की आवाज करते हुए अपनी नाराजी जताई। बाघ गुर्राता है, वाघ हाँ गुर्राव तो गुर गुर अशा आवाज करतो। पिल्ला पाण्यात पडला आणि पिल्लू पडल्यामुळे पाणी वाघिणीच्या तोंडावर उडाला आणि त्यामुळे वाघिणीने गुरगुरत आपली नापसंती व्यक्त केली। परंतु आई ही आई असते, नापसंती व्यक्त केली तरी सुद्धा ती पुन्हा आपल्या सर्व काही विसरून आपल्या पिल्लांना जवळ घेऊ लागली। वाघिणीच्या त्याच्या आईच्या भोवती जबरदस्त धंगा धोपा पिल्लांच्या सुरू झाला। बच्चे तो रातभर से भूखे थे, माँ को देखते माँ के साथ में वो खेलने लगे, माँ के आगे वहां दंगा मस्ती करने लगे। साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची 5 महिन्याची पिल्ल होती। अब ये जो पिल्ले थे, जो बच्चे थे, कुत्र्यापेक्षा लहान, कुत्ते से थोड़े छोटे आकार के थे, और इनकी उम्र लगभग 5 महीने की हो चुकी थी। या वयात लहान मुलांनी जसं खेळकर असतात तसेच ही खेळकर होते। एकमेकांच्या पाठलाग करत मारामारी करणं, पाण्यात उडी घेणं असे खेळ सुरू झाले। मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्लाला मायेने चाटत होती। अब छोटे छोटे बच्चे थे, या मस्ती करते थे, मारामारी करते थे, इस बीच में बाघिन भी बड़े प्यार से अपने बच्चों को चाटती थी, अपना प्यार जताती थी। थोडा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी झाली, डोके वळवून तिनं हळूच आव असा आवाज ऐकून केला। हा पिल्ल्यांना मागे येण्याबद्दल इशारा होता। लगेच वळवून ती चालताना चालायला लागली। अब पाणीशी उड गई और आव ऐसा आवाज लगाया, वो अपने बच्चों को चलने का इशारा कर रही थी, वो आगे वहां मागे येण्याबद्दल इशारा होती। लगेच वळवून चालायला लागली। नक्कीच एखादा तांबर रानगवा निलगाय रानडुकराची शिकार साधली असावी, पण अशी शिकार जड असल्याने ती उचलून पिल्ल्यांपर्यंत आणणं शक्य नसतं। त्यामुळे पिल्ल्यांजवळ येऊन घटभर पाण्यात बसून
तिन विश्रांति घेतली होती आणि आरती पिल्लांना ठिकाणीकडे घेऊन जात होती। आता बागिनने कहीं तो भी एक रान गवा सांबर नीलगाय या जंगली सुअर की जंगल में कहीं तो भी शिकार की थी और यह भारी होती है इसलिए वहां शिकार को उठा के अपने बच्चों तक नहीं ला पाई, इसलिए वहां बच्चों को ही लेने आ गई थी और बच्चों को उस शिकार की तरफ वहां ले जाने लगी। या चार पिल्लांसोबत स्वतःच पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती कोणती शिकार करणं आवश्यक होतं त्या कलेत ती चांगली पारंगित होती। अब चार बच्चों का पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए उसको डेली कोई ना कोई शिकार करना होता था और शिकार करने में वो पारंगत, पारंगत का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट थी, उसको यहाँ खूबी बहुत अच्छे से वहां जानती थी। वाघिनी ने नाला पार करून बामीच्या गंजित पाय ठेवला, आता शिरने आज शिरने आधी तिनं वडून पिल्ला सोबत येता है कि नहीं याची खात्री के लिए। अब आगे चलते चलते वहां बांबू के जंगल में घुस गई और आज जाते समय अंदर जाते समय उन्होंने एक नजर बच्चों पे भी रखी क्योंकि बच्चे आते हैं कि नहीं करके वहां मुड़ के देखने लगे। सर टाइम होने है। हाँ बस हो गया सर एक मिनट। और इस प्रकार से वहां बाघिन अपने बच्चों के साथ में वहां से जंगल की ओर जाने लगी, अपने बच्चों को लेकर जाने लगे। अब इस बाघिन में लेखक ने एक माँ में जो भावना होती है, माँ अपने बच्चों से जिस प्रकार प्यार करती है, जिस प्रकार अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसी प्रकार बाघिन भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है। बाघ में माँ की बाघिन में एक अच्छे माँ की छवि लेखक को दिखाई दी और यह अनुभव लेखक के लिए बहुत ही अनमोल अनुभव साबित हुआ। इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस तरह से यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। बच्चों के मन में कोई डाउट होंगे तो पूछो। एनी डाउट्स? हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, इसको डाउट है हाथ उठाओ बेटा। सर्वेश यादव बोलो। बोलो भाई सर्वेश। परिक्षेत्र का मतलब परिक्षेत्र, वन क्षेत्र, वन क्षेत्र यानी वन का क्षेत्र, जंगलों का क्षेत्र। पूजा पांडा जहाँ जंगल होते हैं। हाँ सर रायबा मतलब? रायबा वहाँ एक प्लेस का नाम है, वहाँ के वो रायबा नाम है कोई प्लेस का, जगह का नाम है। सभ्य, सभ्य। हेलो सर। सभ्य में एकदम अच्छा। हेलो सर। जेंटल, इसको इंग्लिश में जेंटल बोलते हैं सभ्य। सभ्य गुप्ता प्रश्न पूछो बेटा। बोलिए सर। तसा भरा, तसा भरा आदित्य क्या मतलब है सर? ससा भरत। हाँ क्या बोल रहे हो? रस्ते भरत के क्या बोल रहे हो? तसा भरा आदित्य। तासा भरा आदित्य मुझे एक घंटे पहले, तासा भरा आदित्य यानी एक घंटे पहले, तास में घंटा, हावर्स। साइस्ता खान पूछिए। साइस्ता तिखट मतलब? तिखट यानी तीखा, एकदम उग्र स्वभाव वाला आदमी, जो गुस्सा करने वाला आदमी होता है वो तिखट। टिकट यानी एकदम शार्प, जिसे शार्प बोलते हैं। टिकट यहाँ सब तो कानों के लिए आया है, कानों के टिकट का मतलब यहाँ होगा एकदम क्लियर, एकदम क्लियर सुनने वाली। इमदादुल्ला बोलो। हेलो सर रस्त्या। हाँ, बोलिए। कंड मतलब क्या होगा सर? क्या बोले? रस्त्या कंड। रस्त्या कंड मीन्स रास्ते के तरफ, रस्ते की ओर। मेहताब अंसारी। सर गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। वाघिन मतलब? हाँ वाघिन, वाघिन। वाघिन मीन्स फीमेल टाइग्रेस, जो फीमेल बाघिन होती है, फीमेल बाघ की फीमेल जेंडर। श्रद्धा, श्रद्धा बोलो। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। धपकन मतलब? धपकन मतलब
हाँ, पर धपकन में गिरने की जो आवाज आती है धपकन, हाँ वो धपकन मतलब गिरने की जो आवाज है, धप से गिरते बोलते ना, वो धपकन यानी गिरने की आवाज है। खुशी, खुशी। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। विश्राम गृह मतलब क्या होता है? विश्राम गृह में रेस्ट हाउस, जो जंगलों में रुकने की जो जगह होती है, रेस्ट हाउस, विश्राम करने की जगह, निर्जला बोलते हैं। निर्जला। सर व्याघ्र अनुभव मतलब? व्याघ्र अनुभव, व्याघ्र मीन्स बाघ, बाघों का जो अनुभव होता है, बाघों के बारे में अनुभव, इसमें व्याघ्र अनुभव। जाहिद शेख बोलो, बोलो बेटा, टाइम हो रहा है। सर लाइव मंजे का है क्या? लाइव कुट लाइव बोलो, बोलो बोलो, आपका प्रश्न नहीं समझ रहा है मुझे, क्लियर बोलो प्रश्न। सर कुट लाइव मंजे का है? कुट लाइव यानी कोई भी, एनीवन। शाइस्ता खान बोलो। शाइस्ता खान अधीर मतलब? हाँ अधीर, अधीर मीन्स उत्सुक, उतावला। मानसी सेन। सर हाँ बोलिए। बिबड़ा मतलब क्या होता है? बिबड़ा यानी बाघ की एक प्रजाति होती है, उसे बिबड़ा कहते हैं, जो बाघ की एक प्रजाति